Hey guys, welcome back to this video. इस वीडियो पे आपको मैं बी एस सी सेन्ड ई ईयर ऑर्गेनिकमिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ तो इसमें आपके जितने भी चैप्टर है ऑर्गेनिकमिस्ट्री बी एस सी सेकेंड ईयर के अंदर उनके नोट्स मैंने आपकी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का वहाँ से जाके आप जितने भी आपकी पी डी एफ है यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी एस सी सेकेंड ईयर के चैप्टर्स की तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पर तो इसमें आपका फिनॉल्स हो गया कार्बो एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव है फिर आपके एल्डिहाइड डी है फिर आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में उसमें आपका एरोमेटिक नाइट्रो कम उाउं है और दूसरा पार्ट आपका नाइट्रो एल्केन्स का है एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है आ, फिर आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स है उसमें आपका डाईहाइड्रिक भी आता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स भी आते हैं तो ये आपके नोट्स मैंने सब के सब अपलोड कर रखे हैं वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा यहीं आपके नोट्स है सब आपके हैंड रिटन नोट्स है या आपका फिनॉल के नोट्स है जैसे फिर आपके एल्कोहल्स के नोट्स हैं इसी में आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स भी आता है फिर आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल ट्राईहाइड्रिक एल्कोल्स वो सब आपके पॉलीहाइड्रिक के अंदर ही आते हैं तो जितने भी नोट्स है सब आपको उसका पी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा आप वेबसाइट में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और फिर आपके इसमें एरोमेटिक अमीन्स ये आपके है इसी के अंदर आपके डाई और ड्राई भी होंगे और भी आपके एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के एल्डिहाइड डीड के टूनस के तो जितने भी आपके नोट्स हैं सब मैंने आपके बना रखे एक सिंथेसिस ऑफ एनोलेट्स का भी मैंने पुट कर दिया है इसमें आपका एसिटिक एसिटू एसिडिक गैसटर और मेलोनी एस्टर जितने भी आपका पार्ट है सिंथेस एनोलेट्स के अंदर वो भी आपका मैंने उसी उसमें भी ईयर के अंदर आपका इंक्लूड कर रखा है ठीक है फिर आपको यहाँ पर ये एराइल डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड है ये आपका नाइट्रो कंपाउंड्स के अंदर आपको मिलेगा फिर आपका एरोमेटिक नाइट टू कंपाउंड्स है देन आपका इसमें सिंथेटिक डाइस तो नहीं है इस बार आपका थर्ड ईयर में होगा और सिंथेसिस एंडोलेट्स वाला पार्ट है ठीक है तो ये आपके नोट्स हैं यहाँ पर बी एस सी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आ, इससे पहले वाली वीडियो पे मैंने आपको बी एस सी फर्स्ट ईयर और आ, आ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए थे वो वेबसाइट पे आपके अपलोड हो चुकी है आप डाउनलोड कर सकते हो थर्ड ईयर के भी आगे मैं आपके नोट्स लाऊंगा और फिजिक्स के और आपकी फ़िजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिकम और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी नोट्स आगे वाली वीडियोज़ पर आपको मिल जाएंगे वो भी आपके सब वेबसाइट पर ही अपलोड होंगे ठीक है तो वेबसाइट को भी आप चेक करते रहना गूगल में जाकर आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है टेलीग्राम पर मैं लिंक देते रहूँगा तो वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो पेपर्स और नोट्स को ठीक है बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो आपकी सब पहले तो आपकी जो मैकेनिज्म होगी सबके सब इंपॉर्टेंट सब है जितने भी नेम रिएक्शंस है क्योंकि सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड सेम पे भी आपके ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपके नेम रिएक्शंस है और सेकेंड ईयर के अंदर भी जैसे पीनाकॉल पीनाकोलॉन रीफॉर्मेट्स रिएक्शन रे, हीवन हीस रिएक्शन नोवेनेगल कंडेंसेशन हो गया आ, फिर आपका परकिंग कंडेंसेशन है आ, फिर आपका रॉमटाइम रिएक्शन है हो गया और आपका एल्डोल कंडेंसेशन है कैनिजारो रिएक्शन है तो बहुत सारी आपकी रिएक्शंस की मैकेज़म है बहुत सारी नेम रिएक्शंस है और सब के सब आपके इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट होती है और सेकेंड ईयर पर मेनली आपको ध्यान देना है नेम रिएक्शन इनकी मैकेनिज़म और आपके इनके जो स्टेप्स होते हैं और जो रिएक्शंस होती है और जो आपकी ये ए से बी फॉर्म प्रोडक्ट आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है बी टू सी आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करते रहनी है और प्रीवियस ईयर पेपर पे आपको दे देखते रहने क्योंकि क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत रिपीट होते हैं ठीक है बैथोक्रामिक हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ये सब आपके जो एब्णो, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आता है ये सब, की सब आपके इंपॉर्टेंट है ठीक है तो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और इनकी प्ले भी हमने देखी है ऑलमोस्ट सभी की देख ली है बस आपका एब्बॉर्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी रह गया वो नहीं हमने देखा हुआ है बाकी जितने भी आपके चैप्टर्स है एल्कोहॉल्स के फिनॉल्स के और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एल्डिहाइड एल के सिंथेसिस के सिंथेट्स के सिंथेटिक डाइज के तो वो हमने सब डिस्कस कर रखे सबकी प्ले लिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा या प्लेलिस्ट टेप में जाके बाकी जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो आप देख सकते हो ठीक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपकी वेबसाइट का लिंक दे रखा है टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा ठीक है और फिर आपके ये जो आपके ये नोट्स का लिंक है वो भी मैंने आपको नीचे दे रखा है और कमेंट में पिन कर दूंगा और कुछ क्वारीज होगी आपकी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बाकी नेक्स्ट वीडियो पर सेकेंड ईयर के फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथेमेटिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे उसमें जो भी आपके थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के पेपर्स होंगे वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि ईयरली के पेपर मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है एक दो साल की आपके मिले दो और उन्नीस के पेपर मिले सेकंड ईयर के बाकी थर्ड सेम और फोर्थ सेम के पेपर्स पड़े मेरे पास वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको प्रोवाइड करूँगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बाकी नोट्स वगैरह आप डाउनलोड कर देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट में पिन कर दूंगा तो मिलते नेक्स्ट वीडियो पर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो